नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी मैं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस कवर किया गया है आरओ एआरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको एक तरफ टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, मंदिरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्लेस ये मंदिर कहाँ पर है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर को दे सकते हैं, नहीं तो मैं उत्तर बता रही हूँ, आप लोग मैच करिएगा। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पर है बताइए, भुवनेश्वर में है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए का सेकंड आपको खाली एक ही ऑप्शन में दिया है, लेकिन और ऑप्शंस को भी हम चेक करते हैं। सूर्य मंदिर की हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, वो मोंडेरा में है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। कंदरिया महादेव टेम्पल की अगर हम बात करेंगे, मंदिर की हम बात करेंगे तो वो खजुराहो में है, सी का थर्ड। और जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो जगन्नाथपुरी तो आप सभी को पता है, डी का फर्स्ट। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, वेरी इजी। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट का ये प्रश्न सही गया होगा, ठीक है, एकदम सही किया होगा आप लोग ने, क्योंकि ये आसान प्रश्न था। यहाँ पर अगर आपको यही पता है कि जगन्नाथपुरी, तब भी आप डी का फर्स्ट अपना देख के तुरंत आंसर बी पे मार्क कर सकते थे, तो एक आसान प्रश्न था। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, देखिए शब्दावली से प्रश्न आता है, जैसे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में इस शब्द का क्या अर्थ है, वैसे ही यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुप्तोत्तर कालीन आर्थिक व्यवस्था में वाहिद का क्या अर्थ है। तो शब्दावली से रिलेटेड प्रश्न आपके यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में भी पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए वाहिद के बारे में पूछा गया है, जिसमें खेती ना की गई हो, जहां बीज ना उगता हो, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि या भूमि जिसमें बोया जाता हो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, समय ले लीजिए, ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा, वाहिद का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, तो वाहिद का अर्थ होता है भूमि जिसमें बोया जाता हो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी, डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, देखिए क्लास क्षेत्र की अगर कभी बात की जाएगी तो याद रखिएगा क्षेत्र मतलब कृषि योग भूमि, क्षेत्र मतलब कृषि योग भूमि को हम क्षेत्र कहते थे। खिला की बात करेंगे तो खिला मतलब क्या था, बंजर भूमि, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं खिल भी दिया रहता है, खिला दिया रहता है, खिल दिया रहता है, तो ये याद रखिएगा जिस भूमि को जोता नहीं जा सकता, बंजर भूमि, बैरन लैंड, ठीक है। अपरहत की बात करेंगे, अपरहत ये परीक्षा में पूछा गया है कि अपरहत मतलब क्या होता था, तो अपरहत जंगल, ठीक है, या वन भूमि को अपरहत कहते थे। बस्ती की बात करेंगे तो रहने योग्य भूमि को हम बस्ती कहते थे, और सारा मतलब चारागाह, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। और वहीद मतलब मैंने आपको बता दिया भूमि जिसमें बोया जाता हो, ठीक है। खिल या खिला, कहीं कहीं खिल दिया रहता, कहीं कहीं खिला दिया रहता, तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी वाली चीज होती है वो, हिंदी में हम खिल लिखते हैं और इंग्लिश में ए लगा देते हैं वो, तो इस जिस भूमि को जोता नहीं जाता हो, ठीक है, मतलब बंजर भूमि, और साथ मतलब
व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये तो आपका पूछा था, अपृहत तो पूछा था, जंगल वाली भूमि, ठीक है, जंगल मतलब वन भूमि। तो हो सकता है आने वाले परीक्षा में आपको इन सब में से कोई दूसरा पूछ ले, क्षेत्र पूछ ले। तो याद रखिएगा, क्षेत्र मतलब कृषि योग्य भूमि, और बंजर भूमि को हम खिल कहते थे। यहां पर देखिए थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं, तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में गांधार कला के संबंध में क्या सही है, तो बताइए क्या सही है। पहला है, प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की शैली का विकास हुआ, इसका सर्वाधिक विकास शक काल में हुआ था। तो यहां पर आपका इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो अगर हम प्रथम शताब्दी की बात करें तो प्रथम शताब्दी में मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की एक शैली का विकास हुआ था जिसे हम गांधार शैली कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए अगर हम कि यहां पे दिया गया इसका सर्वाधिक विकास शक काल में हुआ था, ये सही है कि गलत, बताइए। यहां पर शक काल दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसका सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में, याद रखिएगा, ठीक है, कुषाण काल में। मथुरा शैली की बात करें चाहे गांधार शैली की बात करें, यहां पर उनका विकास कब हुआ है? कुषाण काल में, ये चीज याद रखिएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे यहां पर आप देखिए, जब भी हम बात करते हैं ये आपका कौन सी शैली है, अगर आपको इस फोटो को दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये गांधार शैली है कि मथुरा शैली है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए आप लोग बताइए, ये गांधार शैली की बात की जा रही है या फिर मथुरा शैली की बात की जा रही है, बताइए। ये आपका गांधार शैली है, ठीक है, याद रखिएगा, गांधार शैली है। अच्छा, गांधार शैली को पहचानने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? यहां पर जो स्टोन यूज किए गए हैं वो ग्रे सैंडस्टोन्स यूज किए गए, ग्रे कलर के पत्थर यूज किए गए हैं, याद रखिएगा। यहां पर जो बुद्ध की प्रतिमा बनी है उसमें जो उनके बाल बने हैं वो कर्ली हेयर्स बने हैं, ठीक है। हरकुलिस देखा है आप लोग ने पहले, वो भी आता था ग्रीक गॉड हरकुलिस। तो हरकुलिस अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा जो ग्रीक गॉड्स बनते थे वहां पर जो उनके बाल होते थे वो कर्ली होते थे, ठीक है। तो यहां पर इनके बाल कर्ली होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर इनकी दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। बॉडी इनकी बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं, पतली सी बनाई जाती है। यहां पर जो इनके कपड़े होते हैं उसमें बहुत अच्छे से सिलवटे होते हैं, देखिए कितने अच्छे से कपड़े हैं। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सब हम गांधार शैली की बात कर रहे हैं। यहां पर जो पिक्चर्स आपको दिख रही है ये गांधार शैली की है। क्लास याद रखिएगा कि गांधार शैली की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर आपको इंडो ग्रीक दोनों फीचर्स दिखते हैं, ठीक है। जो ग्रीक गॉड्स हुआ करते थे उनके तरीके से यहां पर बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती है, मतलब जो बाल बनाए जाते हैं वो कर्ली बनाए जाते हैं, इनका चेहरा सौम्य बनाया जाता है, ब्यूटीफुल बनाया जाता है, इनके कपड़ों पे ऐसे ऐसे सिलवटे होती हैं, ठीक है। पत्थर का जो यूज किया जाता है वो आपका ग्रेप स्टोन्स का यूज किया जाता है। आंखें जो है वो आधी खुली हुई रहती है, आधी बंद रहती है, बॉडी पतली सी होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये इंडो ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड है, इसी वजह से यहाँ पे इंडियन फीचर्स भी दिखेंगे आपको और ग्रीक के गॉड्स के भी फीचर्स दिखेंगे यहां पर। लेकिन जब हम बात करते हैं मथुरा शैली की तो मथुरा तो आपका इधर की तरफ आ गया, तो यहां पर आप देखेंगे जो बुद्ध हैं वो अभय मुद्रा में दिखते हैं, मतलब अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए। हमारे यहाँ जो भगवान लोग बनते हैं वो हमेशा ऐसे अभय मुद्रा में दिखते हैं, आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं। यहां पर जो स्टोन्स का यूज किया जाता है वो आपका रेड स्टोन्स का यूज किया जाता है। वहां पर हमने गांधार शैली में किस स्टोन्स का यूज किया था? हमने ग्रे स्टोन्स का यूज किया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर जो आपको बुद्ध की प्रतिमा दिखेंगी उसमें बुद्ध की जो बॉडी है वो बहुत दुबली पतली नहीं, वो मस्कुलर टाइप की, ये चीज भी याद रखिएगा, मस्कुलर टाइप की। यहाँ पे बुद्ध की दाढ़ी और मूछ नहीं बनाई गई है, वहां पर आप देखेंगे गांधार शैली में तो बुद्ध की दाढ़ी मूछ भी बनी हुई है, ये चीज याद रखिएगा। मोस्टली जो इनकी पिक्चर्स होती है बुद्ध की यहाँ पर वो बैठे हुए रहती है, ठीक है।
तो यहाँ पर यही सब चीजें लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे इधर गांधार शैली दिख रही है, इधर मथुरा शैली दिख रही है। आपको पता है गांधार शैली जो है यहाँ पर आपको ग्रीक आर्ट के फीचर्स भी दिखेंगे, ठीक है, इंडो ग्रीक फीचर्स दिखेंगे, लेकिन मथुरा शैली में आपको पूरा क्या इंडिजिनस फीचर्स दिखेंगे, मतलब यहाँ पर जो भारतीय जो चीजें हैं फीचर्स वही आपको दिखेंगे। यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री का इन्फ्लुएंस आपको नहीं दिखेगा, दूसरी जगह का इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा। गांधार शैली में ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया गया है, मैंने आपको बताया, ठीक है, ग्रे कलर के। और जब मथुरा शैली की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने रेड सैंडस्टोन का यूज किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो मेनली आपकी बुद्ध की प्रतिमाएं आपको मिलती है मथुरा शैली में। आप देखेंगे तो आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड और हिंदू इमेज भी मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। गांधार शैली में मेनली जो इमेजेस हैं वो बुद्ध की है, ठीक है, बुद्धिस्ट इमेजेस है। लेकिन यहाँ पर हम मथुरा में देखेंगे तो यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों से रिलेटेड इमेजेस मिलती है। यहाँ पर आपके किसके अंडर में हुआ था इनका उदय, तो आपको पता है कुषाण के। और इधर मथुरा की भी बात करेंगे तो कुषाण के, दोनों कुषाण, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेनली फाउंड होता है, तभी हम कह रहे हैं ना इंडो ग्रीक रीजन्स वाली बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने आपको बताया उत्तर पश्चिमी में गांधार कला विकसित हुई, तो यहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया और जो मेन रीजन जो था वो मथुरा था इस आर्ट का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बुद्ध की जो स्पिरिचुअल इमेज है वो बहुत स्टाइलिश है विद अ वेवी हेयर्स। यहाँ पर देखिएगा वेवी हेयर्स, कर्ली हेयर्स, ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ पर स्पिरिचुअल लुक में आपको बुद्ध दिखेंगे। यहाँ पर जब गांधार की बात करेंगे तो मैंने आपको इमेज में दिखाया कि यहाँ पे बुद्ध की जो इमेज है उसमें दाढ़ी मूछ भी बनी हुई है, लेकिन जब मथुरा शैली की बात करेंगे तो वहां पर कोई भी दाढ़ी मूछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे बुद्ध की जो बॉडी है वो लीन है, पतली है, यहाँ पर देखिए पतली बॉडी है, ठीक है, बहुत मस्कुलर नहीं बनाया गया बुद्ध को। लेकिन जब आप मथुरा आर्ट में देखेंगे तो बुद्ध को काफी मस्कुलर और फिट बनाया गया है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जब गांधार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इमेजेस हैं वहां पर बुद्ध आपको स्टैंडिंग पोजिशन में भी दिखेंगे, सिटिंग पोजिशन में भी दिखेंगे, खड़े भी बैठे भी गांधार में। लेकिन मथुरा शैली में जितनी इमेजेस आपको मिलेंगी ज्यादातर इमेजेस में ये बैठे हुए सीटेड ही आपको मिलेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही होगी क्लास। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गांधार में इनकी आग जो है वो आधी खुली है आधी बंद है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे मथुरा में, यहाँ पर मेनली इनकी जो आंखें होती है वो आपकी खुली रहती है या तो बंद रहती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब अमरावती की जब भी हम बात करते हैं तो अमरावती में दोनों का इन्फ्लुएंस दिखता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो मार्बल्स का यूज करते हैं वो व्हाइट मार्बल्स का यूज करते हैं, मेनली जो इमेजेस हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। किस समय में ये आपका डेवलप हुआ तो सातवाहन में, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम रीजन देखेंगे तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास, इनमें मेनली जो जटाक स्टोरीज होती है उनको डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स भी याद रहेगा तो एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकते हो, और ये तो आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा सा जब पिक्चर को देख के किसी चीज को पढ़ोगे ना तो वो ज्यादा याद रहेगी। अब ऐसे याद करने का रटने का प्रयास करते तो कंफ्यूज हो जाते गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या डिफरेंस है, लेकिन आपने एक बार पिक्चर को देख लिया तो आपको क्लियर हो गया। चौथे प्रश्न को देखते हैं, विम कटफिशेस किसका मतनुयायी था, तो बताइए विष्णु का, शैव का, जैन का या फिर बौद्ध का। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया है, बी, ठीक है, शैव धर्म से रिलेटेड था। देखिए यहां पर उसने एक उपाधि भी धारण की थी महेश्वर, तो याद रखिएगा अगर परीक्षा में पूछेगा कि महेश्वर उपाधि किसने धारण की थी तो विम कटफिशेस, ठीक है। विम कटफिशेस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर कभी परीक्षा में पूछता है कि कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो आप क्या बताएंगे, कुषाण का वास्तविक संस्थापक विम कटफिशेस को माना जाता है, ठीक है। इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे और इसके सिक्के की एक फीचर्स था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, उसके सिक्के पर एक और यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि
उत्कीर्ण थी। तो कभी अगर आपसे पूछेगा कि किसके सिक्के में एक तरफ यूनानी लिपि है और दूसरे तरफ खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे विम कटफिशस के। विम कटफिशस कौन था? ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये शैव धर्म को फॉलो करता था। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। पांचवे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना शुरू किए। बंगाल टेनेंसी एक्ट के बारे में बात की गई है, द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध के बारे में, खुदीराम बोस को फांसी और पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना। तो पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बाद में भूकंप आने के कारण इसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया? दिल्ली में। खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 1908 में। ठीक है, द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध कब हुआ था बताइए? यह आपका हुआ था 1878 के समय। और बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? ये 1885 में। तो यहां पर अगर आप अरेंज करेंगे तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? सबसे पहले दो, ठीक है, फिर एक, फिर चार, फिर तीन। दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, सी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए क्लास, ये है खुदीराम बोस। ठीक है, पेपर में परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि खुदीराम बोस को किस षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी। तो आप याद रखेंगे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण इनको फांसी दी गई थी। और सबसे कम आयु में फांसी पाने वाले ये आपके पहले क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, वह मुजफ्फरनगर षड्यंत्र में शामिल थे और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। शहीद खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का विरोध किया था। वह मुजफ्फरनगर षड्यंत्र में शामिल थे और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं, गांधी जी द्वारा कब कहा गया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधी बाद नहीं? तो क्लास थोड़ा समय लीजिए आप लोग, बताइए रामगढ़ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में या फिर त्रिपुरा अधिवेशन में, किसमें बोला गया था कि गांधी जी ने किसमें बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने ये बात कही। अगर हम कराची अधिवेशन की बात करें तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को क्लास। चलिए यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 29 मार्च 1931 में कॉन्फ्रेंस का विशेष अधिवेशन कांग्रेस का, इसको कर लीजिए, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कांग्रेस ने, ये याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया था। तो परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों या फिर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव किस सेशन में एक्सेप्ट किया था? तो आप बताएंगे कराची सेशन में। ठीक है, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब आपको पता है यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट की बात हो रही है, तो 1930 में हमारे यहाँ कौन सा मूवमेंट चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया ना। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कराने के लिए क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और इसके बाद गांधी जी कहाँ गए? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सब एक सीक्वेंस में है, थोड़ा सा याद रखेंगे तो याद रहेगा पिक्चर के फॉर्म में, रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कहाँ दी गई थी? तो बताइए कहाँ दी गई थी? अहमदाबाद में दी गई थी, दिल्ली में दी गई थी, अमृतसर में दी गई थी या फिर लाहौर में दी गई थी? आसान सा प्रश्न है क्लास,
आप सभी को पता है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई और ये फांसी उनको लाहौर में दी गई। डी आपका सही उत्तर है। आज के टेस्ट में प्रश्न आसान लग रहे हैं मुझको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आसान है कि डिफिकल्ट है। लास्ट क्लास में तो डिफिकल्ट थे, ठीक है, आज के में आसान है तो बताइएगा। इसी तरीके से हम लोग कभी इजी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, कभी डिफिकल्ट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न इजी तो है लेकिन ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सर्जेंट योजना से रिलेटेड ये प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सर्जेंट योजना कब आई थी बताइए। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था एक चीज, जब भी प्रश्न लेंदी हो, ठीक है, तो घबराओ मत। लेंदी प्रश्न जो होता है वो आपका इजी होता है, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते छोटे छोटे वो आपके डिफिकल्ट होते। अब देखो, जैसे सर्जेंट योजना पूछ ली गई, अब यहाँ पे सीधे आपको ईयर दिया गया। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है सर्जेंट योजना कब आई है या किस चीज से रिलेटेड है, तो वो कभी भी इस प्रश्न को नहीं लगा के आ पाएगा। लेकिन जब लेंदी प्रश्न रहता है तो वहां पर हमको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में थोड़ी सी हिंट मिल जाती है, तो वहां पे एलिमिनेट करना ज्यादा इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। तो इसीलिए कभी भी परीक्षा में अगर लेंदी प्रश्न आए तो घबराना मत। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग को लगता है पेपर में कितने लेंदी प्रश्न आए, कैसे हम पढ़े। अरे लेंदी प्रश्न है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आसान होंगे। जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जहां पर पूछ लेते हैं ये पॉलिसी कब आई, ये कब आया, या तो आपको पता रहता है या तो आपको नहीं पता रहता, उसमें आप समय नहीं दे सकते, उसको आपको स्किप ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए एकदम तैयार रहो क्लास। एक चीज अपने दिमाग में बना के रखो, पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लगाओ, रिवीजन जरूर करो। आपने पढ़ा, आपको सब याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना, तो आप प्रेशर में बैठते हो, और जब आप प्रेशर में बैठते हो तो कंफ्यूज होना शुरू करते हो कि ये था कि ये था कि ये था। लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहते हो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में, ठीक है, एकदम एग्जामिनेशन वाला माहौल बना के, तो आप उस प्रेशर को कई बार महसूस कर चुके रहते हो, ठीक है, आप कई बार महसूस कर चुके रहते हो, तो अब आपको आदत पड़ गई रहती है कि प्रेशर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। यही इंपॉर्टेंस है आपके, यही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ना कहीं वो प्रेशर हर दिन महसूस करते हो, इसीलिए उस तरीके से लगाया करो। सब जैसे यहां पर तो आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करो, आप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पेपर में या किसी बुक में एक जगह इकट्ठा करके रखे रहा करो, और फिर टाइमर सेट किया करो कि मैं इतने टाइम पे इतने क्वेश्चंस को लगाऊंगा, और बकायदा उसको ढंग से लगाया करो। तो प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करने का समय, एक लिमिटेड समय में क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत पड़ जाती है, और एग्जाम में आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है। आप कहीं पर भी हो, प्रैक्टिस पे बहुत जोर दिया जाता है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस किया करो। अब मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रवचन दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट मेरे आंसर का वेट कर रहे होंगे। 1944 इसका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं एजुकेशनल कमीशन की, तो पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है। ये याद रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में आया, उसके बाद हंटर कमीशन आया 1882 में, रेले कमीशन आया 1902 में, सैडलर कमीशन आया 1917 में, हार्टोंग कमीशन आया 1929 में, और सर्जेंट कमीशन आया 1944 में। याद कर लेना, परीक्षा में अरेंज करने को बोल सकता है। मैंने आपको वैसे याद कराया था ये कि ऐसे इमेजिन करो, चार्ल्स एक लड़का है जो कि क्या हंटर निकला, ठीक है, चार्ल्स जो है वो हंटर निकला, उसकी मदर जो रेले है वो बहुत सैड हो गई है और कहती है इट हर्ट, ठीक है, एच यू आर टी हर्ट बोल जाओ, इट हर्ट सर्जन, सर्जन से कहती है मुझे दुख होता है। तो चार्ल्स जो है वो हंटर निकला, रेले उसकी मदर सैड हो गई, इट हर्ट सर्जन कहती है वो, ठीक है। तो आप अपने तरीके से याद करो, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। अब यहां पर अगर आप देखोगे क्लास, रेले कमीशन 902, हंटर कमीशन 1882, ठीक है,
फिर यहाँ पर देखो सेडलर कमीशन 1917, हार्टोंग कमीशन 1929 और 1944 में सर्जेंट का प्लान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नौवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है? अब परीक्षा में ये प्रश्न कई बार रिपीट किया है, कोल्ड या फिर हॉट करंट के बारे में पूछ लिया जाता है। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कोल्ड करंट हॉट करंट के बारे में पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछ लेता है कि ये जो करंट है वो आपके किस ओशियन की है, पैसिफिक ओशियन की है कि अटलांटिक ओशियन की है, किसकी। अब यहां पर जो परीक्षा में प्रश्न आपका बना है आज के टेस्ट में, वो ये बोला गया है कि हम कोल्ड करंट की बात कर रहे हैं लेकिन हम पैसिफिक ओशियन के कोल्ड करंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा पैसिफिक ओशियन का कोल्ड करंट नहीं है, तो बताइए, हम बोल्ड, ठीक है, यहाँ पे ओकोस्टक, कैलिफोर्निया या फिर किनारी। तो उत्तर क्या होगा आपका, हम्बोल्ट, ओकोस्टक, कैलिफोर्निया या फिर किनारी। तो उत्तर है आपका किनारी। किनारी की अगर हम बात करेंगे, ये आपके अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, अभी हम इमेज में देखेंगे, यहां पर देख लीजिए, किनारी की हम बात करें तो ये आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपको दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, किनारी दिख गया क्लास, तो इसी वजह से ये आपका गलत था। अब आपको क्लास पता है ये जो है वो इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे यहां पर जो आपकी जल धाराएं होंगी, जो ओशियनिक वाटर होगा, वो आपका कैसा होगा, गर्म होगा, पानी गर्म होगा यहाँ का। पोल्स पे हम जाएंगे तो बताइए पानी कैसा होगा, ठंडा होगा ना, एकदम ठंडा ठंडा। तो जब भी जो करंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वो हमेशा हॉट होगी, गर्म होगी। और जो भी धाराएं आपकी पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है वो कैसी होंगी, वो ठंडी होंगी। बस यही लॉजिक है। ठीक है, और जहां पर हॉट करंट और कोल्ड करंट आपका आके मिलता है, वहां पर फिशिंग एरियाज बहुत अच्छे होते हैं, मछली वहां पे आपकी फिशिंग इंडस्ट्रीज होती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा कौन सा पैसिफिक का है, कौन सा आपका अटलांटिक का है। अगर हम पैसिफिक का देखेंगे तो हम्बोल्ट, ठीक है, यहां पर देखिए हम्बोल्ट हो गया आपका। ठीक है, दिख रहा है आपको, याद रखिएगा, इधर ही आपको पेरुवियन भी दिखेगी, जिसको कि हम हम्बोल्ट पेरुवियन कहते हैं ना, ये देखिए, यही पेपर में हम्बोल्ट पूछ ले या फिर पेरुवियन पूछ ले, दोनों सेम है, हम्बोल्ट पेरुवियन हो गया आपका। ठीक है, ओकोस्टक, ओकोस्टक इधर ही है आपका, तो याद रखिएगा ये सब चीजें, कैलिफोर्निया, ओकोस्टक, ये सब आपका किसका है, देखिए बताइए, पैसिफिक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दसवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्या सही है, सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट टेम्परेचर अकर इन द ट्रॉपिकल ओशियन सराउंडेड बाय द लैंड। जो ट्रॉपिकल अभी हमने देखा, ट्रॉपिकल इधर आपका इक्वेटर है, इधर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। उष्णकटिबंधियों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिम भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा कम गर्म रहते हैं। तो यहां पर क्या दिया, जो वेस्टर्न पार्ट है ओशियंस का वो आपका कम गर्म रहता है एज कंपेरिजन टू द ईस्टर्न पार्ट। यहां पर आपको बताना है करेक्ट क्या है। तो क्लास यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय में जो आपके व्यापारिक पवने हैं, जो ट्रेंड विंड है, ट्रेंड विंड के प्रभाव के कारण महासागरों के जो पश्चिमी भाग होते हैं, जो वेस्टर्न भाग होते हैं, ठीक है, पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। यहां पर आपको लेस वार्म दिया, ये गलत है, वो ज्यादा गर्म होते हैं, मोर होते हैं, ठीक है, कम नहीं होते हैं। व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग, मतलब वेस्टर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। तो यहां पर सेकेंड वाला आपका गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ए आपका सही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्लास यहां पर आप लोग एक चीज और देख लीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं ये ट्रॉपिक
इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, इन द ट्रॉपिकल रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये चीज याद रखेगा। और अगर हम देखेंगे सम शीतोष्ण कटिबंधियों में, तो जो पछुआ पवने हैं उनके कारण महासागर की जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न हम देखते हैं, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। यहां पर आपको देश के नाम दिए गए हैं, तेल शोधन केंद्र दिए गए हैं, बताइए, कोलंबिया दिया गया है, पूर्व सोवियत संघ दिया गया है, यूएसए दिया गया है और दक्षिण पश्चिमी एशिया दिया गया है। सारातोवा, सारातोव, सारातोव या सारातोवा, सारातोव कहां पर है, ये आपके पूर्व सोवियत संघ में है, बी का फर्स्ट एक ही जगह दिया गया। और देखते हैं न्यू जर्सी की हम बात करेंगे, तो ये तो आप सभी को पता होगा यूएसए में है, सी का सेकेंड, ये आसान था, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे बेरमजा की, तो वो आपका कहां पर है, कोलंबिया में, तो थर्ड का क्या हो गया आपका, ए का थर्ड हो गया और बचा फोर्थ, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 12वां प्रश्न, चलिए, कोबर के भू सन्नति सिद्धांत के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भू सन्नति थी, तो ये बिल्कुल सही है, टेथिस सी के बारे में आपको पता है। उत्तर के पूर्व भाग गोंडवाना लैंड और दक्षिण के भू भाग अंगारल लैंड को टेथिस भू सन्नति पृथक करती थी, ये भी आपको पता है, बताइए, क्या सही होगा, आपको क्या लगता है, यहां पर करेक्ट पूछा गया है। तो कोबर के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें, तो आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस सी थी, ये आपको पता है, ठीक है। यहां पर जो दिया गया है, जो उत्तर के भूभाग गोंडवाना लैंड और दक्षिण के भूभाग अंगारा लैंड को टेथिस सी सेपरेट करती थी, ये आपका गलत है। इसमें छोटा सा ट्विस्ट आपका कर दिया गया है, वो क्या है, उत्तर में आपका क्या था, उत्तर में आपका अंगारा लैंड था, ठीक है, और दक्षिण में क्या था, दक्षिण में आपका गोंडवाना लैंड, बस यही थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, तो ये आपका इसी वजह से गलत हो गया। दोनों को सेपरेट तो टेथिस सी करती थी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे उत्तर और दक्षिण में आपका थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लास आप लोगों को उत्तर देने का समय मिल रहा होगा, अगर आपको लगता है कि मैम आंसर बहुत जल्दी दे रही है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज जरूर कर लीजिए क्लास, लेकिन उत्तर देने का प्रयास करिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो वो मुझे आप लोग जरूर बताइए, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है। आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम आरओ प्रीलिम्स 11 फरवरी 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एडवोकेट जनरल से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, आज के क्लास में तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आने वाले क्लास में हम उसको जरूर इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे ही आप में से किसी और स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप ही में सेम स्टूडेंट ने बोला है कि मैम एनवायरमेंट से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है इम्पोर्टेंट, उसको आप डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगी जहां पर मैंने एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया है जो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार उसको देख जरूर लीजिएगा, रागनी जी का ये मैसेज है, कमेंट है, तो अगर उसके बाद भी आपको डाउट होता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये मैं आपको लिंक उसका शेयर कर दूंगी। चलिए अब हम 13 प्रश्न को देखते हैं क्लास, यहाँ पर देखिए, चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है हम देख लें, जम्मू काश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड, तो कहाँ पर है चौरीबाड़ी ग्लेशियर, तो चौरीबाड़ी ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में, ठीक है, ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। और इसी ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, गांधी सरोवर, ये भी याद रखिएगा। 14 प्रश्न को हम देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी किस श्रेणी में स्थित है,
तो राकापोशी किस श्रेणी में स्थित है बताइए, शिवालिक में, जास्कर में, कैलाश में या फिर गिलगित बलुचिस्तान में? तो ये आपका है गिलगित बलुचिस्तान में, ठीक है, राकापोशी डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15 प्रश्न। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, तो आप मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, तो काफी समय आप लोगों को मिल गया है। यहाँ पर हम देखते हैं माउंट हेरियट की बात हम करेंगे, तो माउंट हेरियट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। एका सेकेंड दो जगह दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जल्दापारा की हम बात करेंगे, जल्दापारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, बी का थर्ड यहाँ दिया गया है। वसंदा की हम बात करेंगे, वसंदा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है, सी का फोर्थ हो गया। और कालेसर की अगर हम बात करेंगे तो कालेसर कहाँ पर है क्लास? कालेसर हरियाणा में है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड है और यहाँ पर किस राज्य में उसको किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था झूम कृषि की जब हम बात करते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हम बात करते हैं, स्थानांतरित कृषि जिसको कहते हैं। तो पहला देखते हैं वालरा की अगर हम बात करेंगे तो वालरा स्थानांतरित कृषि को वालरा नाम से कहां पर जाना जाता है बताइए? राजस्थान में। ए का थर्ड यहां दिया गया है। फिर जारा नाम से कहां जाना जाता है? साउथ इंडियन स्टेट में। बी का सेकेंड पांडू नाम से कहां जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में। और कोमन विंगा नाम से उड़ीसा में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। निम्नलिखित में से क्या द्विफसली कृषि के संबंध में सही है? तो देख लेते हैं क्लास, इसमें एक वर्ष में चक्रीय विधि से दो फसलों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है द्विफसली कृषि का मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, इसलिए समानता दूसरी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली होती है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया डबल क्रॉपिंग में क्या होता है, हम एक साल में साइक्लिक उसमें दो क्रॉप्स को बोते हैं, मतलब एक समय एक क्रॉप दूसरे समय दूसरी क्रॉप। यहाँ पर ये इसलिए किया जाता है जो दूसरी क्रॉप होती है आपका वो मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने की वजह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है। यहाँ पर दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डबल क्रॉपिंग इज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो उर्वरता है भूमि की उसको हमें क्या करना है, उसको बनाए रखना है। इसीलिए जो दूसरी फसल होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। 18वां प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है मायोपिक आंख के लिए दोष किसके द्वारा ठीक किया जाता है बताइए? मायोपिक को हम निकट दृष्टि का दोष कहते हैं ना, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? समतल उत्तल का या फिर अवतल का या फिर उत्तल का या फिर अवतल का, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर है अवतल का, ठीक है, कॉनकेव का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 19वां प्रश्न, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर क्या है बताइए, क्या है परमाणु रिएक्टर? क्लोरोफ्लोरो कार्बन का आसव, न्यूट्रॉन प्रेरित कक्ष, आणविक भट्टी या भारी जल का मिश्रण? तो अजीब सा प्रश्न है ये, मॉलिक्यूलर फर्नेस है। 19 का सी आपका सही, ठीक है। जब भी हम परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर फर्नेस की बात करते हैं। आपको पता है हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट्स का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव, जैसे यूरेनियम का, प्लूटेनियम का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए, अच्छा यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, वो भले आपके लिए इम्पोर्टेंट था या ना था, नहीं था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में जो इम्पोर्टेंट आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको देख लेते हैं। रावत भाटा की बात करेंगे तो वो राजस्थान में है,
क्लास इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बता रही। रावत भाटा की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। कुंडन कुलम की बात करेंगे और कल पक्कम की बात करेंगे तो तमिलनाडु में, देखो कल कल तमिलनाडु में, ठीक है। टाइम तो कुंडन कुलम और कल पक्कम तमिलनाडु में है। काकरा पार आपका कहां पर है, गुजरात में, काका लोग ज्यादा गुजरात में पाए जाते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा के ए कर्नाटक का के ए कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, जो स्टार लोग हैं तारे लोग हैं वो लोग ज्यादातर महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाता है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन द्वारा श्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन किसके द्वारा श्रावित होता है, एस सेल द्वारा, जी सेल द्वारा, लार ग्रंथि द्वारा या फिर अग्नाशय द्वारा। तो ये आपका श्रावित होता है जी सेल द्वारा, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए, जो गैस्ट्रिन है वो आपका एक हार्मोन है जो पेट की परत में मौजूद जी कोशिकाएं द्वारा निर्मित होता है और या पेट में श्रावित होता है और गैस्ट्रिक स्राव को उत्तेजित करता है या पेट की पार्श्विक कोशिकाओं को हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जो गैस्ट्रिक जूस का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21वां, एंजाइम है। एंजाइम क्या है, लिपिड है, कैटलिस्ट है, बायो फर्टिलाइजर है या फिर प्रोटीन है। तो यहां पर जो एंजाइम्स हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं जो वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो क्या मदद करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहा होता है उसको स्पीड अप करने में सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर देखें, एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन इन आर बॉडी। अगला प्रश्न देखेंगे, 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव की लार में मौजूद होता है। तो देखिए, पेप्सिन, एमाइलेज या फिर जाइमेस या फिर लैक्टेज। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही उत्तर बी है, एमाइलेज, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। एमाइलेज मनुष्यों और कुछ अन्य स्तनधारियों की लार में मौजूद होता है जहां यह पाचन की रासायनिक प्रक्रिया शुरू करता है। एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस को ग्लूकोज में उत्प्रेरित करता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 23वां प्रश्न, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है यहां पर। तो बताइए, यहां पर आपको विटामिन्स के नाम दिए गए हैं मेनली, तो देखते हुए चलते हैं। थायमिन की बात हम करेंगे, तो थायमिन हम किस विटामिन को कहते हैं, B1 को कहते हैं ना। अर्गोक्लेसिफ्लेरॉल की बात करेंगे तो ये हम विटामिन डी को कहते हैं। एस्कॉर्बिक सी को कहते हैं। पेरिडॉक्सिन हम किसको कहते हैं, B6 को कहते हैं, ठीक है। अब बताइए, सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होता है, तो सी का फर्स्ट कई जगह दिया गया है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया होता है, बोन हड्डियां आपकी कमजोर होती हैं, तो बी का फोर्थ कहां दिया गया, यहां दिया गया है। थायमिन की कमी से अगर हम देखेंगे तो क्या होता है बताइए, बेरी रोग होता है, तो ए का सेकेंड हो गया। और फिर उसके बाद पायरिडॉक्सिन की बात करेंगे, पायरिडॉक्सिन की तो इसकी कमी से होता है क्या, एनीमिया, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। 24 प्रश्न को देखते हैं, एकलव्य स्कूल किस मंत्रालय का भाग है, तो किस मंत्रालय के भाग है बताइए, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय। तो यहां पर आपका सही उत्तर है, जो एकलव्य स्कूल है वो ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय का भाग है,
ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यह प्रोग्राम ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय का भाग है। सरकार ने उन सभी ब्लॉक में जिनमें अनुसूचित जनजाति की संख्या 50% से अधिक है, 2022 तक एकलव्य स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिससे इन्हें उच्च शिक्षा मिल सके। इन स्कूलों में स्थानीय कला तथा संस्कृति को संजोने की विशेष सुविधा होगी तथा इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। बस यह याद रखिए जो ट्राइबल से रिलेटेड है एकलव्य स्कूल। चलिए 25वें प्रश्न को हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर नई मंजिल की बात की गई है, उस्ताद की बात की गई है, मानस की बात की गई है और मिशन इंद्रधनुष की बात की गई है, और आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब और आपका सही है बाकी। अच्छा, अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो आपको पता है ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है बच्चों में, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है आपका। मानस की बात करेंगे तो ये आपके किससे है, अल्पसंख्यक जो युवाएं हैं, जो युवा लोग हैं उनको उद्यमिता कौशल को पढ़ाने के लिए बोला गया है, ये भी सही है। उस्ताद की बात करेंगे तो ये पारंपरिक कलाएं जो हैं उसमें शिल्प कलाओं में कौशल परीक्षण के लिए है, ये भी सही है। नई मंजिल की हम बात करेंगे तो ये किस चीज से रिलेटेड है, लिखा है माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु। तो नई मंजिल जो है या योजना किस चीज से रिलेटेड है, या योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी उनके लिए ये योजना बनाई गई थी। तो डी भी सही है आपका, सी भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ए आपका सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपका सही उत्तर है, नई मंजिल या योजना बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले लोगों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 8 अगस्त 2015 को। इसका उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना था जिनके पास औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है और उन्हें संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार और आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 प्रश्न को देखते हैं। NPEGEL स्कीम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, बताइए, अल्पसंख्यक युवाओं से, ऑनलाइन मॉनिटरिंग से, अध्यापकों के परीक्षण से, या फिर लड़कियों की शिक्षा से। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप उत्तर को बहुत आसानी से दे सकते हैं। फुल फॉर्म इसका जानते हैं क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर, अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, आप लोग आंसर दीजिए, ए बी सी डी में से क्या सही उत्तर होगा, बताइए जल्दी से, फॉर, अब उत्तर मिल जाएगा आपको, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो यहां पर आपको उत्तर मिल गया, क्या है उत्तर, डी है, लड़कियों की शिक्षा से रिलेटेड है ये। आगे बढ़ते हैं 27 प्रश्न को, किस समिति ने नाबार्ड की सिफारिश की थी, तो बताइए किसने की थी, हरिशंकर उपाध्याय ने, तेज नारायण ने, शिव रमन ने, या फिर सीताराम नायडू ने। तो यहां पर यह एक आसान सा प्रश्न है, सी आपका सही उत्तर है, शिव रमन ने, ठीक है। 12 जुलाई 1982 में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत श्री रमन कमिटी की संस्तुति पर हुई थी, तो सी सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में राज्यपाल के संबंध में क्या गलत है, गवर्नर से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा आपका गलत है। राज्यपाल को ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह। राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार है, तो यहां पर बोला गया है आपका कौन सा इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम राज्यपाल की बात करते हैं, हम गवर्नर की बात करते हैं, तो गवर्नर को ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह, ठीक है, कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इनका चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है
आपको पता है उसकी जब भी हम राज्यपाल की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मोहर लगी आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ना ही इनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है ना ही इनडायरेक्टली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह, इनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये एकदम सही है आपका ना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार है, तो ये आपका गलत है। राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, या एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, ये चीज याद रखिएगा, या आपके केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। ठीक है, इसी वजह से ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर आपका पूछा गया इनकरेक्ट, कौन सा आपका गलत है, तो दूसरा आपका गलत है। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, उत्तर क्या हो जाएगा, केवल दो। समझ में आ गया ना क्लास। कभी भी अगर आपसे कोई कहे कि राज्यपाल का जो कार्यालय है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो आप कहेंगे नहीं, ये एक स्वतंत्र कार्यालय है। ठीक है, चलिए 29 प्रश्न को देखते हैं, कौन सा कथन आपका सही है बोला गया है। तो देखिए क्लास, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। अरे ये तो मैं बोलते बोलते थक गई, जो राज्यसभा है वो आपका परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस मतलब वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका खाली लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका गलत हो गया, क्योंकि राज्यसभा बोल दिया गया है यहाँ पर। दूसरा बोला गया है, प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा कथन आपका सही है, तो बी आपका सही है। क्लास ये सब चीजें तो अब आपको आ गई होगी ना, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा जो है वो आपका परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो खाली आपके लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर परीक्षा में कभी पूछे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन किया गया है, तो आप बोलेंगे नहीं, हमारे संविधान में कहीं इस मोशन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। आर्टिकल 75 में बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति, ये चीज याद रखिएगा। ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जो मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो उत्तरदायी है पार्लियामेंट के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या फिर लोकसभा के प्रति, या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 75 में बोला गया है, 75 में बोला गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट में मत कंफ्यूज होइएगा। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था, पहला ऑप्शन पार्लियामेंट दिया था तो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट लगा के आए थे, नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए 50 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इट इज याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराने के लिए मेजोरिटी वोट्स की जरूरत होती है, और अगर आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन प्रस्ताव, ये कहां का है, जापान का है, अमेरिका का है, या फिर भारत का है, तो बताइए। तो यहां पर आपका ये जो है वो भारत से लिया गया है, भारत का है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन आवर की, जीरो आवर की बात करते हैं, तो ये भी किसकी वो है, भारत के खुद का इनिशिएटिव है। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है, जीरो आवर भी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात की गई है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें आपके कितने सदस्य होते हैं, 15, 17, 20, 22, तो कितने होते हैं बताइए, इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसको गठित किया गया था।
तो कृष्ण मेनन समिति का नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यह समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित की गई थी और इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 32nd प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। दूसरा आपको दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है बोला गया है, तो क्लास बताइए, जब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अगर हम देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 क्लॉज 2 खंड 2 में दी गई है। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो सलाह मशवरा कर सकता है किससे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे वो आवश्यक, मतलब जिनसे सलाह लेना वो आवश्यक समझे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। रुकिए, मैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ पर क्या लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 122 खंड 2 के तहत की जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। यहाँ पर याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो अगर चाहे तो कंसल्ट कर सकता है कुछ जजेस को जिनको कि वो नेसेसरी समझता है। यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जैसे वो आवश्यक समझता है। ठीक है, ये चीज समझिएगा, यहाँ पर वो आवश्यक समझता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये आपका गलत है। ठीक है, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ये भी गलत है। चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही थिंक्स डीम्स नेसेसरी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही आपका गलत है, डी आपका सही उत्तर है। ये चीज क्लियर हो गया क्लास आपको? ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब जो अदर जजेस हैं, उनको उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये परामर्श जो है वो जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए, अन्य न्यायाधीशों की, अदर जजेस की बात करें, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य होता है। ये याद रखिएगा, जब प्रेसिडेंट अदर जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, चीफ जस्टिस को छोड़ के दूसरे जजेस का जब वो अपॉइंटमेंट करता है, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस से परामर्श लेना अनिवार्य है। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परीक्षा में कभी ये शब्द आए ना कि जब दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उस समय प्रेसिडेंट को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य होता है, तो वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ही है वो आपके चीफ जस्टिस की भी अपॉइंटमेंट कर रहा है और अदर जजेस की भी अपॉइंटमेंट वही कर रहा है, लेकिन जब वो अदर जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा तो चीफ जस्टिस से एडवाइस लेना अनिवार्य होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और जब वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करेगा तो जो दूसरे जजेस से वो एडवाइस ले वो आपका उसके उस पर डिपेंड करता है, अगर वो आवश्यक समझे और उसमें अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। 33rd प्रश्न को हम देखते हैं, यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की गई है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की गई है, तो हम एक एक ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को पढ़िए और उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताती हूँ।
चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की गई है ये ध्यान दीजिएगा, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात की गई है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा बलरामपुर में है। तो बलरामपुर आपको बी में भी दिया गया है और सी में भी दिया गया है। बलरामपुर के बाद संत कबीर नगर में है, फिर आपका कहां पर है, सिद्धार्थ नगर में है, फिर बाराबंकी में। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी। सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 34 प्रश्न को देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 एक से 11 के दौरान न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बताइए कौन सा है, कानपुर देहात है, हमीरपुर है, कानपुर नगर है, या फिर बागपत। लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ की बात की गई है क्लास, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है कानपुर। अब हम लोग सेंसस के प्रश्नों को देख रहे हैं, कानपुर नगर, ठीक है, यहां पर देख लीजिए। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जो है वो कानपुर देहात है, हमीरपुर है, बागपत है, फतेहपुर है और देवरिया है, ठीक है। अगला देखते हैं 35। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कानपुर में है, वेब सिटी गाजियाबाद में है, परफ्यूम पार्क कन्नौज में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर में है। तो बताइए परफ्यूम पार्क कहां पर, परफ्यूम सिटी कहां पर है, कन्नौज में है, एकदम सही है। लेदर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो वो बंथर में है, उन्नाव में, सही है। वेब सिटी गाजियाबाद में, सही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कानपुर दिया गया, कानपुर में नहीं, कहां, नोएडा में। तो आपका गलत क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं 36 देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष बाघ परियोजना में शामिल किया गया, बताइए, 1977 से 78, 73 से 74, 87 से 88, 1988 से 89। तो बाघ परियोजना में इसे शामिल किया गया 1987 से 88 के बीच। सी आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में अगर हम टाइगर रिजर्व देखेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, अमनगढ़ आपका टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, अमनगढ़ के बारे में पूछा गया है। 37 देखते हैं। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन जीव विहार कहां पर स्थित है, आगरा, बलिया, मैनपुरी या फिर हरदोई। जयप्रकाश नारायण जिसको कि हम सुरहा ताल भी कहते हैं, अब हिंट मिला, सुरहा ताल पक्षी वन जीव विहार कहां पर है, ए बी सी डी में से, बलिया में है, बी, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए क्लास। अब देखिए माइक प्रोग्राम के बारे में बोला गया, माइक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, एम आई के ई, माइक। माइक का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो क्या है, मॉनिटरिंग दी इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये माइक का फुल फॉर्म है आपका। तो अब बताइए किससे रिलेटेड है, ये एलिफेंट से रिलेटेड है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 प्रश्न देखते हैं। 2001 से 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना अधिक था, 10, 12, 15, 18। तो 2011 में अगर हम देखेंगे तो लिंगानुपात आपका 990 था, और 2001 में देखेंगे तो कितना था, 1978। अब माइनस कर दो 990 में से 1978 को, तो कितना बचा, 12। तो कितना डिफरेंस था, अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात की बात की गई है, 12। 12 आपका सही उत्तर होगा। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व किसका था, बताइए किसका था, दिल्ली का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, ए बी सी डी। तो यहां पर आपका सही उत्तर है ए, दिल्ली का, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए जनघनत्व दिल्ली का, फिर बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, 829। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यही पेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप में से जिन स्टूडेंट्स को जो भी डाउट हुआ हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे।
आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज की क्लास थोड़ा इजी थी, लास्ट क्लास के कंपैरिजन में आज की क्लास इजी थी, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके, और परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते भी हैं। तो सब एक जगह, जिसमें भी आपको डाउट होता है उसको एक जगह नोट डाउन करते चलिए, रिवाइज करते रहिए। क्लास के एंड में आपसे फिर कहूंगी कि अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है? आप जब खुद मेहनत करेंगे, अपने पे भरोसा रखेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो रोज पढ़िए, एक भी दिन अपना बर्बाद मत करिए। अभी अगर आपके पास समय है तो अपनी तैयारी को और मजबूत रखिए। तो धन्यवाद क्लास, इसी के साथ क्लास को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहे।